चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, नीट 22 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ इसके रिगार्डिंग अपडेट्स देने वाला हूं। और इसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड के बाद में क्या प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स के साथ में, और इसमें जो सर्टिफिकेट है, जो अंडरटेकिंग है, वो आपने कैसे फिल करना है, क्या क्या इसमें कंडीशनें हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। वैसे तो आपने कर लिया होगा, फिर भी मैं आपको जरूरी स्टेप्स बता देता हूं। एनटीए की वेबसाइट, जो नीट की वेबसाइट है, उस पर आपने विजिट करना है। कैंडिडेट एक्टिविटी में डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन इंटर करने के बाद में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर एक अंडरटेकिंग मिलेगा, इसमें आपका नाम होगा, एप्लीकेशन नंबर होंगे, एड्रेस होगा। नंबर वार पॉइंट पर यह कहा गया है कि आपने ये डिक्लेरेशन देना है एक, कि मैंने ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं कोविड-19 के रिगार्डिंग, और इसके अलावा नीट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, पब्लिक नोटिस हैं, ये मैंने पढ़ लिए हैं। तो नंबर वन पॉइंट पे ये लिखा है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। दो नंबर पॉइंट पे ये लिखा है कि 14 डेज के अंदर ये सिम्टम्स अगर आप में थे तो इसमें आपको टिक करना है, अदरवाइज इनको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर 14 डेज के अंदर आपको फीवर था, कफ था, इसके बाद सांस फूल रही थी, ये गला दर्द था, इसके बाद में आपके नाक बह रहे थे, बॉडी दर्द था, या फिर कोई अदर सिम्टम्स थे, तो यहाँ आपको स्पेसिफाई करना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना। मैं यहाँ समझता हूँ कि आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो बेहतर रहेगा इसमें, अगर ये सिम्टम आपके नहीं थे तो। अब इसके बाद में बी पॉइंट पर लिखा है कि अगर आप किसी कोविड-19 पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट में आए हैं तो, या फिर 15 मिनट से ज्यादा कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो यहाँ यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ आपको नो ही करना है। इसके बाद में सी पॉइंट पर आपको यही पॉइंट नोट के रिगार्डिंग लिखा है, मतलब कि आप किसी कोविड पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं आए हैं और मैंडेटरी क्वारंटीन भी नहीं रहे हैं, तो यहाँ इसमें आपको यस कर देना है। डी पॉइंट में आपने कहीं विजिट किया है, एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले आपने कहीं इन सिटी में विजिट किया है, तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नो करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, यस करेंगे तो इसके अंदर आपको वो सिटी का नेम यहाँ फिल करना है, डेट भी फिल करनी है जिसमें आपने विजिट किया है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ नो कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबमिट पर क्लिक करना है, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा और एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो इस प्रकार का आपको 4 पेज दिखाई देंगे इस एडमिट कार्ड में। फर्स्ट पेज पर, आधे पेज पर ऊपर आपकी डिटेल्स है, और फिर इसी के नीचे आधे पेज पर आपको अंडरटेकिंग सबमिट करना है, सिग्नेचर करना है। सेकंड नंबर पेज पर 4x6 इंच का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है। इसके बाद में आपने फिर थर्ड पेज पर इसमें आगे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, और फोर्थ पेज पर एडवाइजरी कोविड-19 की रिगार्डिंग लिखी है। तो आपको ये 2 पेज प्रिंट करके ले जाने हैं, जो फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज है, ये 2 पेज ले जाने हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि इसको कलर लेके जाएं या ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाएं, तो आप दोनों ले जा सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट भी मान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जा सकते हैं। कोई कलर ले जाना चाहिए तो इसको कलर कॉपी निकलवा के भी ले जा सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें जो फर्स्ट में डिटेल्स है, इसमें फर्स्ट पेज पर इसमें आपका नाम है, रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है। ज़्यादातर स्टूडेंट को इसी के रिगार्डिंग डाउट है, ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आप स्टेट काउंसलिंग के लिए कौन से स्टेट के लिए एलिजिबल हैं, उस स्टेट का नाम आपने यहाँ देना था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने दिया था वही आया है, लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। काफी सारे स्टेट डोमिसाइल बेस्ड एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो कुछ स्टेट्स 10+2 और 11th के बेसिस पर एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो वो आपके एग्जाम लगने के बाद में
आपकी जब स्टेट के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे तो आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हैं जिस स्टेट के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इसलिए दिखाया जाता है कि अगर आप जिस स्टेट का यहाँ एलिजिबिलिटी रखते हैं उस स्टेट को रोल नंबर वगैरह, इसके बाद में मेरिट वगैरह, ये एनटीए द्वारा भेजी जाती है कंसर्न्ड स्टेट को, इसलिए यहाँ स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी शो की जाती है। आगे आपका फोटो है, सिग्नेचर है, इसके बाद में नीचे टेस्ट की डिटेल्स है, आपको टेस्ट सेंटर की डिटेल है, क्वेश्चन पेपर कौन सा है आपका, मीडियम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, टाइमिंग है इसमें, यहाँ टेस्ट सेंटर के कोड दिए गए हैं और इसमें एड्रेस दिया गया है, नाम दिया गया है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने एग्जाम से एक दिन पहले ही इसका विजिट कर लें, आप अपने पेरेंट्स को बोलकर विजिट करवा लें सेंटर का, या फिर आप कंफर्म रहें या कंफर्म कर लें कि आपका सेंटर कहाँ है, और जिस दिन आपका एग्जाम है उसमें आप एग्जाम सेंटर पर 2 आवर्स पहले ही आपको पहुँच जाना है, क्योंकि बाद में हो सकता है कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ताकि आपके पास समय रहते उसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैंने पहले पिछले साल एक वीडियो अपलोड किया था, 2019 में मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तो ऐसे आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए आप एग्जाम सेंटर पे एडवांस में पहुंच जाएं कम से कम 2 आवर्स पहले। अब इसमें जो नीचे दी गई है इसमें डिटेल्स, वैसे मैं बता चुका हूँ वही डिटेल्स इसमें है जो अंडरटेकिंग है उसमें, फर्स्ट फेज पर जो यही है कि मैंने इसको रीड कर लिया है, COVID-19 के इंस्ट्रक्शंस को और NTA की इंफॉर्मेशन बुकलेट वगैरह को। नंबर 2 पॉइंट में यही कि 14 डेज में अगर आपको फीवर, कफ, सांसें फूलना, अगर इस प्रकार के सिम्टम हैं तो आपको इन पर टिक करना है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना है इसको। इसके बाद में बी पॉइंट पर वही है, बी पॉइंट पर अगर इसमें आप एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं तो टिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो फर्स्ट में भी इसमें टिक नहीं करना है, सेकंड में टिक करना है, और डी कॉलम पर भी आपने टिक नहीं करना है, सिर्फ एक सी पर ही आपने यहाँ पर टिक करना है। अगर आप इन सिटी में ट्रेवल किए हैं तो इन सिटी का नाम लिख दें, डेट लिख दें, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद में नीचे फर्स्ट बॉक्स में आपका पासपोर्ट साइज का फोटो पेस्ट करना है जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में पेस्ट किया था, उसके में सेकंड बॉक्स में आपको सिग्नेचर करना है, ये घर से ही सिग्नेचर करके लेफ्ट थंब लगाना है, ये घर से ही लगा कर ले जाना है, और इसके बाद में पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं, ये भी घर से ही करवा के ले जाना है। काफ़ी यहाँ डाउट हो रहे हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं तो वो गार्जियन के सिग्नेचर करवा के ले जा सकते हैं। इसके बाद में जो सिग्नेचर हैं एग्जामिनर के सामने किए जाएंगे कैंडिडेट के सिग्नेचर, तो ये आप ब्लैंक छोड़ते हैं इसमें, ये एग्जाम हॉल में करें इसको। इसके बाद में page 2 पर आपको 4x6 inch का फोटो पेस्ट करना है, ये वही फोटो है जो आपने पोस्टकार्ड साइज का फोटो अपलोड किया था एप्लीकेशन फिल करते समय। अभी ये इसमें अभी NTA ने परफॉर्मा फिर चेंज करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ये सुबह तक ये परफॉर्मा छोटा ही था, यानी कि इसमें पूरी फोटो पेस्ट नहीं हो रही थी। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, NTA को मेल वगैरह किया था तब जाके इसने ये जो परफॉर्मा की साइज है इसको लार्ज किया था, तो अभी इन्होंने लार्ज कर दिया है, NTA ने परफॉर्मा की साइज को बड़ा कर दिया है। आप दोबारा से ये पेज नंबर 2 डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आपका फोटो फिट आ जाएगा 4x6 का। पहले वाला जो कल तक हो रहा था डाउनलोड उसमें छोटा था ये परफॉर्मा, अभी बड़ा कर दिया है, तो आप दोबारा से एक बार इसको प्रिंट करवा लें page 2 को। page 2 को करवाएंगे तो इसमें आपको फोटो पेस्ट करना है, ऊपर आपकी डिटेल्स लिखी है और नीचे आपने साइन करना है और एक एग्जामिनर साइन करेगा इसमें। इसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, वो इंस्ट्रक्शन है आपको साइन कहाँ करने, तो इस प्रकार से ये 2 नंबर पेज फिल हो जाएगा आपका। इसके बाद में 3 नंबर पेज पर इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं और 4 नंबर पेज पर एडवाइजरी जो COVID-19 की है वो लिखी है, तो इनको आपको प्रिंट करके ले जाने की आवश्यकता नहीं है दोनों पेज को, इनको आप अच्छी तरह से रीड कर लें। वैसे मैं भी इसके बारे में आपको समझा दूंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली समझा दूंगा। तो अगर आपने कल ये डाउनलोड किया था एडमिट कार्ड तो फिर आज फिर से डाउनलोड कर लें या सेकेंड पेज इसका डाउनलोड कर लें और उसके बाद में आप इस पर अपना फोटो पेस्ट कर लें और टेंशन फ्री होके एग्जाम दें।
मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका एग्जाम सही जाए और आपका इस साल अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। बेस्ट ऑफ लक।